हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:05 और हम निकलने वाले हैं अभी 4 बजे के आसपास नैनीताल को। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, तो इतनी मेहनत लगती है लोगों। अलार्म भी बज गया है दोबारा से, चिना पिक का वो टाइटल रखा था मैंने कि अगर बाई चांस नहीं उठा तो बसते रहे बसते रहे बसते रहे। तो इतनी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने के लिए, तो पूरा व्लॉग देखिएगा और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। चार बज गए हैं और लगभग लगभग मैं रेडी हो ही गया हूँ। बैटरी ड्रोन वगैरह सब चार्ज कर दिया था रात को ही मैंने, और जहाँ से मुझे अभी अपने दोस्त को रिसीव करना है उसके बाद मेरे दो दोस्त मतलब हिमांशु और हेमंत वेट करेंगे मुखानी पे, तो मैं उनको सीधे मुखानी मिलूँगा। तो हमारा इतना सुबह जल्दी जाने का प्लान इसलिए बना क्योंकि जो हमने ड्रोन शॉट और सिनेमेटिक शॉट लेना ना, उसके लिए हमको सुबह जल्दी उठा था। फ्रेश आइस का और सुबह मॉर्निंग जब कोई लोग मतलब बहुत कम लोग लिमिटेड लोग होंगे उस चीज़ का एक ड्रोन शॉट लेना था मैंने। जो इतने सुबह उठना है और उसके लिए जाना है तो कितनी मेहनत लगती है यूट्यूब में एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और इसलिए मैं आज जल्दी उठ गया था। और मेरे दो दोस्त और हैं हितेश और लोकेश, तो वो भी शायद बोल रहे थे वो लोग पहुँचेंगे, तो बाई चांस अगर वो भी मिल जाएंगे रास्ते में उनको भी अपडेट करना है कि रास्ता कैसा है। तो इस बार मैंने सारा बैकअप लेके चल रहा था अपना, कि सारी तैयारी करके रखी थी कि जाना है तो जाना ही है इस बार वाले में, क्योंकि ये वाला अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। इस साल तो शायद बहुत टाइम बाद इतनी बर्फ़ गिरी होगी, क्योंकि लास्ट जो मैंने बर्फ़ देखी थी 2019 में बर्फ़ देखी थी नैनीताल में, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। उसके बाद इस बार इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है कि गिर चुकी है। तो ये है मेरा बचपन का दोस्त, यानी हमने स्कूल में करी बहुत सारी मस्तियाँ, आज से पहले ब्लॉग में कभी आया भी नहीं होगा। तो ये अपने जॉब में बिजी रहता है और हम अपने काम पे तो बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना मिलने का हो जाता है, क्यों? यस, यानी तो अभी हम पहुँच गए थे मुखानी और हिमांशु और हेमंत का वेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी गाड़ी लेके जाएंगे। मैंने अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी है कि जी ऐसे कैसे चलेगा, गुड मॉर्निंग, बड़े लेट आ रहे हो यार। हम वापस चले गए थे। अरे किसको लेने के लिए गाड़ी मैंने लॉक करी नहीं करी, मैं भूल गया। अच्छा, तो फिर उसके बाद अब क्या तुम मेरी वीडियो बना रहे हो? नहीं नहीं बनाओ कंटेंट चाहिए कंटेंट। मैं जूली कोट नहीं बता, तुषार भाई अंधेरे में नहीं बता, अंधेरे में नहीं बता यार, ये क्या होता है मतलब जूली कोट। तो अभी हम फिलहाल रुके हुए हैं जूली कोट पे और यहाँ चाय वगैरह करते हैं, अंडे वगैरह बनवा दिए तो अंडे वगैरह खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं तड़के ऊपर। अभी भैया मिले थे एक भैया, तो वो कह रहे हैं कि ऊपर शायद अभी गाड़ी जाने नहीं दे रहे हैं, पर अभी गाड़ी जाने नहीं दे रहे हैं, तो देखते हैं जहाँ तक गाड़ी को जाने देंगे वहाँ हम गाड़ी लेके जाएंगे, वहाँ पार्क कर देंगे और उसके बाद फिर आगे पूरा चल के जाएंगे। तो ये गाड़ी है इस, अभी ये नैनीताल से नीचे आ रही थी, तो यही भैया बता रहे थे कि बर्फ़ वगैरह गिरी हुई है अभी भी गिर रही है। मैं तो तुम्हारे साथ जा रहा हूं भैया। नहीं, वो गाड़ी वाले भैया, तू तो अभी हमारे साथ जाएगा। तो अभी हम नैनीताल पहुंच गए थे और यहाँ तो रास्ता बंद है, ऊपर तक लोगों ने बंद कर दिया है, और यहाँ से अब हम रूसी पास को निकलते हैं। पीछे भी गाड़ी आ गई है तो थोड़ा सा टप पड़ जाएगा निकालना। तो अभी हम रूसी बाईपास से जा रहे हैं और
हल्की हल्की बारिश और बजरी गिर रही है, जो कि मतलब जैसे लोग कहते हैं स्नोफॉल, तो ये बजरी बजरी कहते हैं भाई इसे, बजरी बजरी, ये थोड़ी बजरी तो भाई वो होती नीचे जो रोड में गिरी है। नहीं नहीं, ये बजरी हुई जो ये गिर रहा है ना, जो ये गिर रहा है इसे बजरी कहते हैं। मैं कह रहा था कि जो ये गिरती है ना बजरी होती है, जो मैं कह रहा था बजरी होती है, बर्फ नहीं होती है। बर्फ क्या होता है इसके बाद गिरती है, जब हल्की हल्की, ये तो पानी और हल्का बर्फ रहता है तो इसे बजरी कहते हैं, और फिर धीरे धीरे बर्फ गिरती है इसके बाद। तुषार भाई, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग सो ऑसम, प्लेजर मूवमेंट। हल्का पीछे करके गिरो, तो अभी ये कुछ टूरिस्ट थे, इनकी गाड़ी फंस गई थी और इनकी गाड़ी निकाली क्योंकि इनकी गाड़ी यहाँ पे फंस गई थी और पूरा रास्ता ब्लॉक था। अब तो हल्की हल्की स्नोफॉल चालू हो गई है, अब वाली स्नोफॉल आ गई है और ये देखो हल्की हल्की आइस रात की जमने लग गई थी, पर ज़्यादा नहीं है, गाड़ी चलेगी तो पूरी हट जाएगी। तो यहाँ पर तो हम गए हैं फंस, हम फंस गए हैं क्योंकि आगे कोई गाड़ी नहीं गई है, यह गाड़ी आगे गई थी और ये गाड़ी भी वापस आ रही है और हमारी गाड़ी भी यहाँ फंस गई है, बड़े मुश्किल से आगे निकल रही थी। तो हो अब ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकलती है नहीं निकलती पता नहीं। वो गाड़ी भी देखो वहाँ भी सरवाइव कर रही है और आगे इसलिए नहीं जाएगी ना क्योंकि आगे बिल्कुल भी कोई गाड़ी अभी तक गई नहीं है, और आगे गाड़ी नहीं गई है इसका मतलब कि जो पाला था ना पाला जम गया होगा, बर्फ़ जम गई होगी तो गाड़ी निकलना मुश्किल है। So I've taken over this Tushar's channel, Dev Bhumi Motovlogs. So Tushar will now tell you guys how he's feeling. Tushar bhai, बताइए आप अपने व्यूअर्स को। बहुत बढ़िया लग रहा है और अभी जब हम पहुंच गए ना, हम पहुंच गए बारापत्थर रोड पे और लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता जहां से हम चीना पिक के लिए मुड़ेंगे। और खास बात क्या पता है, हम जा रहे हैं और इस समय ना सिर्फ हमारे फुट स्टेप हैं और किसी के फुट स्टेप नहीं है। अगर मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो आगे अशोक चल रहा है और आगे किसी के फुट स्टेप नहीं है। तो ये जो मोमेंट होता है ना जब हम स्नोफॉल में रहते हैं, तो अपने खुद के पहले फुट स्टेप पहुंचाना किसी स्नोफॉल वाले एरिया में, उसका यार फीलिंग्स ही अलग होती है और बहुत अच्छा लगता है कि यार उससे सबसे पहले हम उस जगह में पहुँचे हैं। तो वाला यार आज वाली कामयाबी भी ले ली हमने स्नोफॉल की। अशोक भाई, हेलो। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है पहले कदम रास्तों में देने में, वो भी नैनीताल के टूरिस्ट एरिया पे जहाँ भीड़ इतनी रहती है और सुबह 4 बजे उठने का ना फ़ायदा हमको मिल रहा है। बस यही चीज़ हमको चीना पिक में ही मिले, हम ही सबसे पहले पहुँचे और भगवान की दुआ से स्नोफॉल रुक जाए कि देखो इतनी बर्फ़ अपने सर पे लेके चल रहे हैं हम। अगर स्नोफॉल रुक जाएगी तो फिर हमारे ड्रोन शॉट बहुत बढ़िया निकलेंगे। अबे मार दिया, ओए कौन है बदतमीज। तो अभी हम बहुत मतलब ज़्यादा आगे तो नहीं, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास चल चुके होंगे और जो बर्फ़ है देखो कम से कम आधे फुट से ज़्यादा बर्फ़ जम गई है, तो यहाँ तो गाड़ी चलना मुश्किल ही थी और चलने वाले भी सिर्फ हम ही हैं, बाकी रोड पूरी सुनसान है, देखोगे तो पूरी रोड सुनसान है।
ये जो रास्ता है ये किलबड़ी मोड़ का चौराहा है और ये आधा रास्ता है किलबड़ी किलबरी का और 11:30 के आसपास बज गया, यानी 11:30 के आसपास टाइम हो गया है और लोग भी चलने शुरू हो गए। जो मैं चाह रहा था ना कि फुटस्टेप से हमारे हो तो वो चीज़ तो मुश्किल है, पर हाँ ऊपर जाके एंजॉयमेंट बहुत होने वाला है क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। होप सो कि जब तक हम ऊपर पहुँचें तो तब तक बारिश स्नोफॉल रुक जाए और कुछ अच्छे ड्रोन शॉट भी मिल जाए। तो ये वाला रास्ता जाता है जो मेन रास्ता है बाइक वाला कार वाला, और ये वाला रास्ता है जो शॉर्ट पड़ता है, तो इससे हम जाएंगे नैना पिक को। और बर्फ़ ना बहुत ज़्यादा है आज, तो बहुत ज़्यादा गिरी है अभी तक, जितनी बर्फ़ गिरती है सर सबसे ज़्यादा बर्फ़ इस बार ही गिरी है। अभी एक नया दोस्त बनाया है, बहुत प्यारा है। आ जाओ, हेलो, कहाँ गया? आजा आजा आजा, ए हाँ आजा 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 आजा, हे। बड़ा खुश हो रहा है बर्फ़ देख के, और हम तो खुश हैं ही, और ये भी खुश हो रहा है। तो ड्रोन शॉट देखना चाहोगे इतने सौ फॉल का? तो 1 2 3 स्टार्ट। You said never let me go. 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 ये वाला हाँ, तो तुषार भैया बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था ना अभी हम रास्ता पार कर रहे थे। अरे तुम कुछ नहीं कह रहे थे, एक मतलब फुट स्टेप दिखे हैं इंसान के, तो होंगे नहीं कि इतने लंबे चले जाएंगे। आप देखोगे तो जानवर के हैं, मे भी ये या तो हिरन होगा क्योंकि बाकी पंजे होते तो बड़े होते हैं। तो जब आप पहाड़ में सफ़र कर रहे हो मतलब ट्रैवल कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जानवर का भी थोड़ा ध्यान रखो कि जानवर कहाँ से आ सकते थे, क्योंकि वाला जो पॉइंट है याला पॉइंट है बेसिकली बाघ वाला एरिया है, तो थोड़ा सा सेफ चलो। इस तो इससे क्या है आप सेफ भी रहोगे और आपको थोड़ा नॉलेज भी रहेगा कि कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं जाना है। तो तुषार भैया ऐसे थोड़ा ध्यान रखना। तुषार भैया जी भैया जी भैया, अगर बाघ से सामना हो जाए तो बाघ से एनकाउंटर हुआ तो कुछ नहीं, जितना हो सके अपनी गाना सुनो और क्या है ऐसे ऐसे करो बाकी सामने यार, ये करो तारक मेहता वाला कर दो स्टेप। कौन सा वाला? ना ना ना, नीम बन जाएगी मेरे पे, नहीं बनेगा रे। देखो तुमने कहा ना अगर बाय चांस, तुम्हारा नाम ही मीम मिश्रा है, बाय चांस अगर बाघ आ गया आपके सामने क्या करना है? मीम मिश्रा कुछ मत करो, सीधे खड़े हो जाओ। अगर दूर है उससे क्या होता है ना, बाघ को लगता है मर गए हो। भालू तो अभी हम पहुंच गए हैं, लगभग 3 या 4 किलोमीटर हमने ट्रैक कर लिया है फिलहाल अभी तक। और जो ये मोड़ है, ये वाला मोड़ तो हमारा चले जाता है आपका ऊपर चीना पिक को, और ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना, तो ये रास्ता सीधे पंगोट को जाता है पैदल रास्ता। तो कभी अगर आप जा रहे हो इस रास्ते से आ रहे हो तो ये टर्न आएगा ऊपर को लेना, सीधे को मत जाना। सीधे को जाओगे तो क्या होगा, आप पंगोट की तरफ पहुँच जाओगे, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना। और अगर बर्फ़ में आ रहे तो बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर रॉन्ग टर्न होगा तो उससे क्या होगा, आपका रास्ता गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान दीजिए और हमेशा एक
लोकल बंदे से जानकारी लेते रहिए कि कहाँ को जाना है करके, क्योंकि हम भी जो कर रहे हैं हम लोकल के बंदों से पूछ पूछ के जा रहे हैं ताकि कहीं रास्ता भटक के कहीं दूसरे तरफ ना चले जाएं। क्यों तो चीना पिक अभी बस 200 मीटर ही बचा हुआ है, और ये जो पेड़ देख रहा हूँ ना, ये पेड़ से मैं नीचे गया हूँ पहले जब लास्ट टाइम मैं आया था, तो ये पेड़ से नीचे से गया था, और इस बार हमको इस बार ऊपर से जाना पड़ रहा है कि इतनी बर्फ़ गिरी है। लगभग 4 या 5 फुट तो बर्फ़, मान लो कि 4 फुट तो मान लो कि बर्फ़ गिरी होगी। और ये भैया लोग तो आए हैं साउथ से, और इन्होंने अभी मुनसारी भी करना है, मुनसारी भी प्लान कर रहे हैं ना, तो ये लोग मुनसारी भी जाएंगे। लेकिन यार मज़ा आ गया, हम 7-6 लोग हैं बस जो ये ट्रैक कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो बाकी थे वो तो सब नीचे उतर गए हैं, हम ही हैं और ऊपर थोड़ी दुकान वगैरह खुली हुई है, ऐसा जो अभी नीचे उतरे थे वो कह रहे थे है? तो वहाँ मैगी वगैरह खाते हैं। हाय हाय खुशी देखो लड़के के चेहरे पे मैगी खाने के लिए, भूख लगी है भाई। वो बोल रहा था मैगी तो नहीं है पता नहीं, लेकिन चिप्स वगैरह मिल गए थे। हाँ हाँ बनवा देंगे, आई जान आई तो सुन के जान आ गई। लेकिन यार अल्टीमेट और याद रहेगा याला, मतलब याली ट्रैक तो याद रहेगी कि 2022 में इतनी बर्फ़ में बस हमने ये वीडियो शूट करा और डाला यूट्यूब में। मतलब इस वाले स्नोफॉल का तो शायद एक लौता यूट्यूबर मैं ही हूँगा, कि एक अचीवमेंट लेके जा रहा हूँ साथ में यहाँ से, ऐसे छोटी छोटी अचीवमेंट और लेके जानी है, बस वहाँ सब पहुँचते यार। तो भाई पेड़ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, लिटरली मजा आ गया। इतनी बर्फ नैनीताल में इतनी बर्फ तो मैंने नहीं देखी, और चीना पीक में तो कभी नहीं, क्योंकि चीना पीक मैंने विंटर में कराई नहीं, फर्स्ट टाइम था और बहुत अल्टीमेट। सो यहाँ मैगी मिल गई है बड़े मुश्किल से, जो हमसे पहले आए थे उनको तो कुछ भी नहीं मिल पाया था, और हमने ये मैगी के बाद एक और मैगी, मतलब दो दो मैगी कर दी है। पता है क्योंकि पहाड़ों में मैगी जरूरी है। कुछ नहीं है भैया, मैंने कहा यार हम तो कैसा लग रहा है, आप तो यहाँ लोकल के हो, आपको तो मजा ही आ रहा होगा बहुत ज्यादा। कोई अपना नाम नहीं बताया आपने ना? यश लोकल से ही है भैया, लोकल होने के बाद भी हर बार अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग एक्सपीरियंस हर बार। और ये भाई तो आ गया था फोटो खिंचवाने के लिए, क्यों सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, जल्लाद आदमी है ये, जल्लाद है, इससे बच के रहना सारे, इसी ने सारा बैटरी ड्रेन करी। चलो जो भी है बच गया, इतना है अभी पावर बैंक हमारे पास कि अभी हम और थोड़ा शूट कर लेंगे, और मेन ड्रोन शॉट लग नहीं रहा है कि इस हालत में ड्रोन शॉट ले पाएंगे, क्योंकि पूरी फोगी फोगी हो रहा है वेदर। ड्रोन भी लाया क्या? हाँ भाई मैं बता, पूरा फॉग है यार, लेकिन GoPro Max भी है 360 वाला। फाइनली अराउंड 6-7 घंटे हो गए होंगे हमको, 4:30 मॉर्निंग 4:00 के निकले हम, मॉर्निंग 4:00 निकले थे और 4:30 के आसपास इवनिंग की हो गई है, और हमने फाइनली अचीव कर लिया जो हमको अचीव करना था, चीना पिक पहुंच गए हैं। तो जो हमको कवर करना था ना हमने कवर कर लिया, और जो ड्रोन शॉट वाला था उसके लिए बहुत सॉरी, क्योंकि ड्रोन शॉट बिल्कुल भी नहीं लेने का हो नहीं पाएगा, एक तो विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, आप पीछे देखोगे बिल्कुल कोहरा है, यहाँ भी देखोगे बिल्कुल कोहरा है, तो कुछ शॉट लेके फ़ायदा है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ड्रोन शॉट ना लें और कुछ हल्के हल्के छोटे मोटे सिनेमेटिक शॉट के साथ इसको वीडियो का ही एंड करते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पहुँचा मैं, और जो मेरा सपना था ना कि याला मतलब करना है, और विंटर में मुझे चीना पिक पहुँचना है, तो वो मैंने कर लिया है, और वो भी हमको मतलब इतना अच्छा वो टाइम मिला कि 12 साल में शायद इतनी बर्फ़ आज गिरी है, और आज मैंने इसको कवर करा अपने वीडियो में, तो
एक अचीवमेंट है कि 12 साल में पहला यूट्यूबर है जो इस चीज़ को कवर कर रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड की चीज़ है और बहुत खुश हूँ मैं आज कि बहुत टाइम से प्लान कर रहा था तो वो चीज़ मैंने कंप्लीट करी, जो भी मेरा विश लिस्ट थी उसमें से एक और चीज़ पूरी हो गई है। तो बोल मेरे लाल, कैसा लगा तुझको? तू बोल, तेरा बोलना समझ आते लोग नहीं, बोल नहीं बोल, तो नाक भेरी है, बोल नाक भेरी है, पूछ लो लाना। ऐसा करेगा तू, समझ नहीं आती, फैमिली कंटेंट है ये चीजें करेगा, नाक सबकी बहती है। ब्रो कैसा लगा ब्रो? इसकी तो दाढ़ी भेरी है, दाढ़ी भेरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबे यार तुम टाइम पास मत करो, फटाफट चल रहे हैं भाई, यहाँ पे फिर से बर्फ ड्रोन शॉट नहीं ले पाएंगे यार, सॉरी भाई, 5:30 से पहले भी चल रहे हैं, गाड़ी भी निकालनी है, हल्के हल्के फिर से बर्फ गिरने लगी है, तो कोशिश है कि जल्दी जल्दी निकल जाए और कुछ सिनेमेटिक शॉट लेते हैं, कोशिश करते हैं। और तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि इसके नीचे जाऊंगा तो कुछ भी ब्लॉग बनाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि हालत है नहीं, सीधे नीचे उतरते हैं। और मिलते हैं आपको जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।